नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिटर फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि 9 अगस्त 2022 को हुआ था और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा पिछला और ज़्यादा सेट मैं करा दूँ, ताकि आप लोगों का जिनका पेपर नए हुआ है उनको और अच्छा रिस्पॉन्स मिले एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज कॉल्ड द एक्सियल मोमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न। एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लीड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काइट बाय फायरवुड। लकड़ी से लगी आग किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ठोसों से लगी हुई आग दोस्तों क्लास ए के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको साइन दिखाया गया है, इस साइन का नाम बताना है, किस प्रकार का साइन है। ये आपका इंफॉर्मेशन साइन सूचनात्मक चिन्ह का फिगर दिया गया है। शीट मेटल ऑपरेशन की कौन सी विधि दिखाई गई है, तो ये शीट मेटल ऑपरेशन की जो विधि है दोस्तों, यह आपको दिखाया गया है ग्रूविंग का। ठीक, तो ये आपका ग्रूविंग का दोस्तों फिगर दिखाया गया है। ये माइक्रोमीटर का नाम बताना है, ये जो माइक्रोमीटर आपको दोस्तों दिखाया गया है, ये माइक्रोमीटर है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक, छठा है नेम ऑफ द सीम, ये जो सीम आपको दिखाया गया है किस प्रकार का सीम है, यहाँ पर देखिए एक अंदर डाल के ऊपर से इसको लगाया गया है, तो ये जो सीम है दोस्तों यहाँ पर लैप सीम कहलाता है, ये लैप सीम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि विच गेज यू डू टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। भागों की आंतरिक चूड़ियों को नापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए पैन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है, तो एल्युमिनियम धातु का रंग सफ़ेद यानी वाइट होता है। दस नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच टूल मटेरियल आर मैनुफैक्चर्ड बाई पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। पाउडर मेटलर्जी तकनीक द्वारा कौन से टूल सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये किस प्रकार का टूल है, तो ये टूल है दोस्तों फ्लैट स्क्रैपर स्पार्ट खुरचनी, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लॉसनेस और टाइटनेस, सॉरी लूजनेस और टाइटनेस एग्जिस्ट बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स। दो मीटिंग भागों के बीच मौजूद ढीलेपन या जकड़न के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है, तो वो है दोस्तों आपका फिट। व्हाट इज टू बी डन इमिडिएटली फॉर एन इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के लिए तुरंत क्या करना चाहिए, तो प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड करना चाहिए। एलिमेंट में यक्ष का, ये जो यक्ष पार्ट दिखाया गया इसका नाम बताना है, तो ये जो आपका यक्ष पार्ट है दोस्तों, ये आपका कहलाता है फेस। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार को केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। कॉर्नर पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस शैनी का उपयोग करते हैं, तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें, विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है, तो वह है दोस्तों आपका पिनिंग। विच कूलेंट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस शीतलक का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, तो लेड जो है दोस्तों ये आपका कई अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच आयरन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता है दोस्तों आपको भट्टी। भट्टी से कौन सा लोहा प्राप्त होता है, तो पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा प्राप्त होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष पार्ट का नाम बताना है, यहाँ पर दोस्तों यक्ष पार्ट ये जो आपको सुई जैसा दिख रहा है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका पॉइंटर। पॉइंटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर डाई स्क्रीनिंग वर्क। डाई स्क्रीनिंग कर के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, जिसके लिए रिफलर फाइल का प्रयोग करते हैं। एक्स का मान बताना है, तो ये जो एंगल एक्स बनेगा दोस्तों, ये आपका कहलाएगा लिप क्लियरेंस एंगल। अगला क्वेश्चन है,
कि शोल्डर के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, शोल्डर के लिए हम लोग प्योर मेटल या एलॉय का प्रयोग करते हैं, मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड, ड्रिल बिट का आकार कैसे या साइज कैसे मापते हैं। तो बिटवीन द लैंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पोर्शन मार्क एज एक्स इन स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड में दोस्तों ये जो आपको एक्स दिखाया गया है यह आपका कहलाता है डेप्थ। तो गहराई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान बता, ये क्या है। तो फिगर में जो दिखाया गया है दोस्तों, इस वाइस का नाम बताना है। ये जो वाइस है ये आपका पिन वाइस है। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप, बेंट स्निप का उपयोग क्या है। तो सर्कुलर कट के लिए बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, कि पार्ट मार्क है एक्स, ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है इसका मान आपको बताना है। तो एक्स पार्ट जो है दोस्तों ये आपका एनविल कहलाता है। तो एनविल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस डाई का नाम बताना है। तो ये जो डाई है दोस्तों ये आपका हाफ डाई कहलाता है। यह किस प्रकार का असेंबली टेक्निक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है पिन, ये जो पिन है यह पिन आपका कहलाता है कार्टर पिन। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए टेक्निक रिक्वायर्ड पोजीशन। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग आवश्यक स्थान पर स्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रहता फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेम द टूल, ये जो टूल आपको दिखाया गया है, यह जो टूल है दोस्तों यह आपका कहलाता है काउंटर सिंकिंग विथ पायलट। काउंटर सिंक के साथ पायलट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज टू कट थिकर सीट, मोटी सीट को काटने के लिए हम लोग लीवर सीयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो देखिए, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के जो किनारे होते हैं वो होते हैं आपके बेवल। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द रेस्ट एंड रूट, क्रेस्ट एंड रूट। स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, तो BSW थ्रेड में। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, ये जो आपको फाइल दिखाया गया है ये आपका हैंड फाइल का फिगर दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये जो साइन आपको दिखाया गया है यह है दोस्तों आपका अनगार्डेड का सिंबल। तो अनगार्डेड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन, एक साधारण मशीन में वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी। तो वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात ये होता है आपका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं। तो लेंथ, मास और टाइम ये आपके फंडामेंटल यूनिट है। तीसरा क्वेश्चन है कि 0.456 भिन्न को बदलना है, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे तो 45.6% आ जाएगा। साइन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 65 mm², एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। वर्गमूल ले लेंगे तो 25 mm यहाँ पर भुजा निकल कर आ जाएगा। व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव्य पिघलता है। तो वह रहता है आपका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कौन सा संरेखित आयाम सही ढंग से दिखाया गया है। तो ये वाला जो टाइम ड्राइंग आयाम है दोस्तों आपका सही तरीके से दर्शाया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल, ये जो कन्वेंशनल सिंबल है यह इस्पात का है। तो इस्पात यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, तो 45 डिग्री यहाँ पर सेट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ये कौन सा है, तो ये आपका ट्राई स्क्वायर बढ़ाई की गुनिया, ट्राई स्क्वायर बढ़ाई की गुनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि मान के अनुसार कौन सा सर्किल में आयाम सही ढंग से दर्शाया गया है।
तो सही ढंग से दोस्तों जो दर्शाया गया है वो आपका ये वाला सिंबल है। इस टूल का नाम बताना है तो ये जो है टूल दोस्तों आपका कटिंग प्लायर का काटने वाले श्रावता का ये फिगर है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। कह रहे विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा नहीं है, तो ए एन दे आर्टिकल है जबकि इन आपका प्रीपोजिशन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिक्षिता का वजीफा किस पर आधारित होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, शैक्षणिक योग्यता पर होता है, कौन सा फार्मूला सही है, तो क्यू इक्वल टू पी अपन क्यू फार्मूला सही है। विच स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रिवेन्यू ग्रोथ, तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि में होती है, तो होता है ग्रोथ स्टेज वृद्धि चरण। पाँचवा है विच वन इज ए साइबर क्राइम, कौन ये है आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग जुआ खेलना या आपका साइबर अपराध है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया के वर्तमान गतिशील काल के यानी कि आपको इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाना है, यहाँ पर जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप शिक्षक प्रशिक्षक या प्रवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ठीक, यहाँ पर गुड मॉर्निंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी कहते हैं। सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से करते हैं, तो हेलमेट के माध्यम से सिर की सुरक्षा करते हैं। एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको हम लोग वाईफाई कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को दो रूप में वर्गीकृत हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अच्छा संचार है, तो संदेश का साफ और स्पष्ट होना आपका अच्छा संचार माना जाता है। 13वां अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल शिष्टाचार कौन सा है, तो कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखना आपका ईमेल शिष्टाचार माना जाता है। 14वां क्वेश्चन कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ मजा आता है, तो खेलने में मजा आता है। और 15वां क्वेश्चन कह रहा है क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती है, तो आपका आक्रामक होता है, एग्रेसिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है, तो आलसी यानी कि बींग लेजी आपका व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। 17वां क्वेश्चन कि मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है, तो इट इज फॉर रिकॉर्ड, ये आपका मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है। 18वां क्वेश्चन करें कि उचित इंटोग्रेटिव शब्द को यहाँ पर चुनना है, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पर जा रहे हैं। 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। और 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है, तो एनेक्सिटी आपका लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होता है उसको हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी में है, तो देखिए शुद्ध जोखिम की जो श्रेणी में है वह टेक्नोलॉजी रिस्क है, प्रौद्योगिकी जोखिम आपका करेक्ट आंसर होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद यहाँ पर भूमिका निभाने का जो लाभ नहीं है वह है कि बोरियत पैदा करता है। ठीक, और इसका 25वां क्वेश्चन है कि जब आप अपने डाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं, तो अटैचमेंट के रूप में भेज रहे होते हैं।